आपका दूसरा चैप्टर बहुपद का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में है, तो अंत तक देखिएगा। अंत में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा जिसे आप सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है लेकिन थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है। घात तीन के बहुपद को कहते हैं, यानी ऐसा बहुपद जिसका घात तीन हो उसे कहते हैं तो त्रिघात बहुपद, नाम से ही स्पष्ट है। किसी बहुपद के चर का घात इनमें से कौन होगा, तो बिल्कुल धन पूर्णांक होगा। बाकी ऑप्शन को देखिए, ऋण पूर्णांक नहीं हो सकता, भिन्न तो होगा ही नहीं क्योंकि किसी का घात भिन्न ऐसा आप देखे नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा धन पूर्णांक। एक द्विघातीय बहुपद का आलेख इनमें से कैसा होता है या कौन होता है, तो क्या वह सरल रेखा होता है, तो सरल रेखा द्विघातियों का नहीं होता है। एक घात जिसका रहता है उसका सरल रेखा होता है। वृत्तकार तो ये तो होगा नहीं, परवलयकार यही होगा इसका आंसर। पैराबोला यानी इस तरह का रहता है परवलयकार, तो ऐसा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा, तो परवलयकार। परवलय एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है, सही बात है क्योंकि इस तरह से रहता है वो, या फिर इस तरह से रहता है तो दो बिंदु पर काटेगा। अतः दिए गए बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी, तो स्पष्ट है दो होगा क्योंकि दो बार काटेगा तो शून्यकों की संख्या दो होगा। और द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या क्या होता है, दो ही होता है। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आते हैं। एग्जाम में बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आता है, आप जितना पढ़े हैं उसको कॉन्सेप्चुअली अच्छे से पढ़िए ताकि एग्जाम में कन्फ्यूज़ ना हो आप बिल्कुल भी। घात एन को दिए गए बहुपद वाई बराबर पी एक्स के शून्यकों की संख्या होगी, तो एन हो जाएगा इसका। ये प्रश्न एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और इस तरह के प्रश्न बच्चों को फंसाने के लिए होता है, तो इस तरह के प्रश्न को विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप अभी वीडियो को पॉज करके ध्यान से इस प्रश्न को देखिए और याद कर लीजिए अभी के अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, को कहते हैं तो एक्स का उच्चतम घात मतलब बहुपद का घात, समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान, बहुपद का घात हो जाएगा इसका। चलिए, किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो उसे कहते हैं, सभी गुणांक शून्य हो तो बहुत नाम से ही स्पष्ट है उसका हो जाएगा शून्य बहुपद। ये प्रश्न भी एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है, तो सबको देखते जाइए, सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ईजी है, आराम से दिमाग में डालते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, शून्य बहुपद का घात है तो शून्य बहुपद का घात क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, क्योंकि किसी भी बहुपद का घात शून्य हो ही नहीं सकता क्योंकि सिर्फ बहुपद होगा तो कम से कम उसका कुछ नहीं रहेगा, तो कम से कम एक घात रहेगा तो उसको रैखिक बहुपद कह सकते हैं, तो मतलब शून्य बहुपद हो ही नहीं सकता इसलिए अपरिभाषित होगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। चलिए, घात तीन के बहुपद को कहते हैं, तो ये प्रश्न रिपीट हो गया, इसका हो जाएगा त्रिघात। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है, तो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, इसका हो जाएगा दो। द्विघात का जितना घात रहे उतना शून्यक। चलिए आगे, निम्न में से कौन रैखिक बहुपद है, तो इनमें से रैखिक बहुपद कौन है, तो मैंने अभी अभी आपको समझाया, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे मुझे तो इसका आंसर फटाक से आप दे दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2x-5, किसी का घात अगर कुछ नहीं है मतलब 1 है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। चलिए आगे, चलिए अगला है, ax2+bx+c बहुपद के आलेख होता है, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसका आलेख परवलयकार, बार बार मैं बता दिया इस प्रश्न को, आपको रटा गया होगा पूरा। तो चलिए, किसी द्विघात बहुपद ax2+bx+c में α+β के शून्य हो तो α+β क्या होगा, तो α+β-by। आपको हमेशा α+β और α×β का मान एकदम कंठस्थ होना चाहिए। अभी अगर आपको दिक्कत होता है तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और बोलिए α+β=-b/a, α+β=-b/a, α×β=c/a, मतलब बोलिए इसको। और क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में इस चैप्टर का जान है ये चीज़, तो आप इसको हमेशा ध्यान रखिए। बिना घात वाले बहुपद को कहते हैं डी। चलिए आगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्न को हल कीजिएगा आप अपने नोटबुक में, और किसी प्रश्न का अगर आप हल करने में आपको दिक्कत होता है तो आप ग्रुप में उसे भेज सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इसमें आपको मैसेज करने की पूरी आज़ादी दी गई है ग्रुप में, तो उस जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2014 में ये क्वेश्चन आया था, पुनः ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, 2014 में ये भी आया था, पुनः ये 2013 में आया था, ये प्रश्न 2014 और 2015 दोनों में आया था, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी ले लीजिए, सबको हल कीजिएगा आप घर पे नोटबुक में।
एक ज़रूरी बात आप सभी के लिए, इस बार मैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लाया हूँ और पिछले साल सब्जेक्ट वाइज लाया था और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। आप मिला लीजिएगा पिछले साल का क्वेश्चन और मैंने जो ऑब्जेक्टिव बताया था वो, तो उस प्लेलिस्ट को भी देखिएगा। ऑब्जेक्टिव इस बार भी वो क्वेश्चन के आने की पूरे चांस है और वहाँ पर भी मैं कॉन्सेप्ट बताते गया हूँ, तो कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर काम देगा। इसके अलावा पिछले साल का जो मॉडल पेपर था उसे मैं यूट्यूब शॉर्ट्स की मदद से पूरा ख़त्म करा दिया हूँ, तो वो भी प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको सब चीज़ का लिंक मिल जाएगा। तो ज़रूर अपने पढ़ाई को बूस्ट कीजिए। अगर आपको फ्री में अपने नॉलेज को चार चांद लगाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, इसलिए अभी के अभी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए।